हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवांगी किचन पे। और आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की पाव भाजी, जो कि देखने में ही नहीं खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट्स करके बताइएगा कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे आलू, कैप्सिकम, फूल गोभी और गाजर। सेकेंड हमने लिया है यहाँ पे घिया और बीन्स। थर्ड लिया है हमने 3 छोटे प्याज और यहाँ लिया है हरी मिर्च, लहसुन। यहाँ हमने लिया है धनिया और 3 छोटे टमाटर। हमने लिया है तेल, फिर हमने यहाँ पे हमने लिया है आधी आधी चम्मच पाव भाजी मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। अब हम यहाँ पे प्रेशर ले लेंगे और उसमें जो भी हमारी सारी सब्जियाँ हैं उन्हें डाल देंगे। जैसे कि पहले हमने यहाँ आलू डाला है और इसी तरह हम बाकी सब्जियां भी डाल दें, जैसे कैप्सिकम, फूल गोभी और गाजर। अब हमने यहाँ डाली है बीन्स, फिर घिया और इन सब को हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे और पाव भाजी मसाला डाल देंगे और इसमें नमक डाल देंगे थोड़ा सा। और अब इसको अच्छे से मिला करके इसका ढक्कन लगा लेंगे और इसे गैस पे चढ़ा देंगे और 2 सीटी आने तक वेट करेंगे। जब तक ये यहाँ पे उबल रहा है हम पेस्ट बनाएंगे टमाटर का, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन का, क्योंकि हमने यहाँ पे अदरक और गार्लिक पेस्ट यूज़ नहीं किया है इसलिए हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो अब हमारी यहाँ पे सीटी आ चुकी है और आप देख सकते हैं ये कितने बढ़िया से उबल गई है। हम इसे थोड़ा बहुत मैश कर लेंगे यहाँ पे। और अब हमने यहाँ पे कढ़ाई ले लिया और उसे गर्म होने देंगे। तो कढ़ाई हमारी यहाँ पे गर्म हो चुकी है। अब हम इस पे 1 बड़ा चम्मच घी डाल लेंगे और इसको मेल्ट होने देंगे। ये हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है तो अब हम इसमें राई के दाने डाल देंगे, यानी मस्टर्ड सीड्स। और इसे एक बारी कच्ची से चला लेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसे गुलाबी होने तक भूनने देंगे। प्याज हमारा यहाँ पे अच्छे से गुलाबी हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया है वो डाल देंगे। और इसमें हम 1 ग्लास पानी डाल देंगे। अब जो भी हमारी सारी मसाले हैं उन्हें डाल देंगे। सब्जियों के साथ और पेस्ट के साथ अच्छे से मिलने देंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे मसाला अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें जो हमने उबली हुई वेजिटेबल्स तैयार की थी उन्हें डाल देंगे। और सारी वेजिटेबल्स को मैश कर लेंगे। हमने यहाँ पे करछी से करा है, आप चाहे तो मैशर का यूज भी कर सकते हैं। इसमें पानी डाल देंगे। हमें इसकी कंसिस्टेंसी को बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है और इसको बिल्कुल मीडियम रखना है। अब हमने यहाँ पे नमक और पाव भाजी मसाला डाल दिया है। नमक हमने थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि जब हमने वेजिटेबल्स उबाली थी तब भी हमने नमक डाला था। और अब हमने यहाँ पे इसे अच्छे से मैश कर लिया है।
इसके ऊपर घी डाल देंगे। और यहाँ पे हम गार्निशिंग के लिए धनिया डाल देंगे। तो हमारी भाजी बनके तैयार है। अब हम पाव सेकेंगे। तो हमारे यहाँ पे घी मेल्ट हो चुका था इसलिए हमने पाव डाल दिया है। अब दोबारा से हम दो पाव सेक रहे हैं। तो पहला हमने सेक लिया, दोबारा से घी मेल्ट होने देंगे यहाँ पे। और अब हम इसमें पाव को अच्छे से रख देंगे और इसकी अच्छे से ग्रीसिंग कर लेंगे। और यहाँ हमारा पाव भी बनके रेडी है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट्स करके जरूर बताइए कैसी बनी है। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। तब तक के लिए घर का खाएं, हेल्दी रहें, टेक केयर एंड बाय बाय।